इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा बॉलीवुड फिल्म दिल के झरोके में इस मूवी के अपडेट्स। ये वीडियो आप लोगों में से ही किसी एक की रिक्वेस्ट पर है, जिनका नाम है दिलीप सानू। चलिए शुरू करते हैं। दिल के झरोके में बॉक्स ऑफिस पर 10 अप्रैल 1997 को रिलीज हुई थी। फिल्म को 5 में से 1.5 स्टार्स की रेटिंग दी गई थी और ये एक बॉलीवुड रोमांटिक म्यूजिकल फिल्म है जिसको आशीम भट्टाचार्य ने डायरेक्ट किया था, प्रोड्यूस किया था रोनी स्क्रूवाला और जरीन मेहता ने। अब आते हैं राइटर पर, तो डायलॉग लिखे थे एस एम अब्बास ने। कास्ट की बात करें तो इसमें मनीषा कोइराला, विकास भल्ला, मामिक सिंह, प्रवीण दस्तूर, कुलभूषण खरबंदा लीड रोल में और सपोर्टिंग रोल में नजर आए थे। बजट था 1,25,00,000 रुपए का। कलेक्शंस की बात करें तो डे वन पर इंडिया में 4,50,000 की ओपनिंग कलेक्शन की थी, फर्स्ट वीक में 26,50,000 की कलेक्शन की थी और फिल्म का जो इंडिया का लाइफ टाइम नेट कलेक्शन था 38,75,000 रुपीज का रहा था। इंडिया का लाइफ टाइम ग्रॉस कलेक्शन 66,00,000 रुपीज का रहा था। अब रही बात वर्डिक्ट यानी हिट और फ्लॉप की, तो आपको बता दें कि दिल के झरोके में बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हुई थी। कलेक्शंस की बात हो गई, गानों की बात करें तो फिल्म के अंदर टोटल 6 गाने थे। गाने कंपोज किए थे बप्पी लहरी जी ने। अब सिंगर्स की बात करें तो गाने गाए थे उदित नारायण जी, कुमार सानू जी, अलका याग्निक जी, कविता कृष्णमूर्ति जी और विनोद राठौड़ जी। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मैं हूं जतिन, आप सबका दोस्त और मेरे इस चैनल बॉली व्यूज का होस्ट। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप सभी बन जाइए मेरे दोस्त। अब आप सबसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।